भाजपा प्रदेश कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे और कुशाभाऊ ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज बीजेपी के पितृ पुरुष हम सबकी श्रद्धा के केंद्र और प्रेरणा के केंद्र हैं। आज हम जो कुछ बेहतर कर पा रहे हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही कर पा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हम सबकी श्रद्धा और प्रेरणा के केंद्र और पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गांव गांव में खड़ा करने वाले और हमारे जैसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं के निर्माता जिन्होंने पूरा नेतृत्व ही मध्य प्रदेश का तैयार किया था, ऐसे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की पुण्यतिथि है, उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। श्रद्धेय ठाकरे जी संगठन के कुशल शिल्पी थे और उनका भाषण नहीं आचरण बोलता था। जीवन भर उन्होंने पहले संघ और फिर भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत माता के चरणों की सेवा की और आज हम जो कुछ बेहतर कर पा रहे हैं उसका कारण श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के दिए हुए संस्कार हैं। जन्म शताब्दी वर्ष में भी क्योंकि तय किया है संगठन वर्ष के संगठन के विस्तार के लिए अनेकों कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, वो हमारी प्रेरणा है, उनके चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। वो सशरीर हमारे बीच नहीं है लेकिन सदैव वो सूक्ष्म शरीर से हमें राह दिखाते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, हमारे नेता स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी की भी पुण्यतिथि है और जीवन भर परिश्रम पूर्वक और बहुत कुशलता से उन्होंने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार किया और भारतीय जनता पार्टी को जन जन के बीच ले जाने में उनका अतुलनीय योगदान है। मध्य प्रदेश की विधानसभा वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी और अपने विचार व्यक्त किए। आज भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की आज पुण्यतिथि है, श्रद्धेय पटवा जी की आज पुण्यतिथि है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय अरुण जेटली जी की आज जन्म जयंती है। मैं श्रद्धेय ठाकरे जी को, आदरणीय पटवा जी को, आदरणीय अरुण जेटली जी को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से आज उनको श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं और इस प्रकार के नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो दिशा दी है, आज हम सब संकल्प लेकर के कि उनके दिखाए मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी आज की हमारा मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता उस दिशा में कार्य कर सके, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हमने संगठन के पर्व के वर्ष के तौर पर लिया है। दिन प्रतिदिन लगातार हम संगठन कार्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में श्रद्धेय ठाकरे जी ने जो भूमिका निभाई, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस भूमिका को निभाने का प्रयास कर रहा है कि जो एक पद्धति मध्य प्रदेश में विकसित हुई, एक आदर्श संगठन मध्य प्रदेश का बना और हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण आदरणीय ठाकरे जी ने, मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय पटवा जी ने जो किया, हम सब कार्यकर्ता उनका अनुसरण करते हुए अपने संगठन काम के विस्तार के लिए और काम के सुदृढ़ीकरण के लिए
आज संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को काम को आगे बढ़ाने का हम सब मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं, यही हमारा आज संकल्प है उनके आज पुण्यतिथि के अवसर पर। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।